हेलो डियर फ्रेंड्स, कुवैत से एग्ज़िट कैसे जाएं, इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है कि एग्ज़िट जाने का तरीका और टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बता रखी है, आप उसको जाकर के देख सकते हो। आज मैं बताने जा रहा हूं कि कुवैत से एग्ज़िट अगर आप जा रहे हो तो कितने दिनों के बाद दूसरे वीज़े से कुवैत में एंट्री कर सकते हो। दरअसल अगर आप कुवैत में हो, एग्ज़िट कैसे जाना है उसका प्रोसेस आप दूसरी वीडियो में समझ लीजिए। आपने समझ लिया, अब आप कुवैत से एग्ज़िट जा रहे हो। अब एग्ज़िट गए, बहुत से लोग का सवाल होता है कि मैंने कैंसिल करा लिया सिविल आईडी, मैं एग्ज़िट जा रहा हूं, और ऐसी कंडीशन में कितने दिन बाद मैं कुवैत में दूसरे वीज़े से दूसरी जॉब में दूसरी कंपनी में कैसे अप्लाई करूँ और कैसे आऊँ और क्या टाइम पीरियड उसका होता है। दरअसल मैं आपको बता दूँ कि अगर 20 नंबर से रिलेटेड है तो आपको छुट्टी कितने दिन जाना चाहिए इसकी भी अपडेट मैं दे चुका हूँ, और अगर 0 से रिलेटेड है तो उसकी भी अपडेट मैं दे चुका हूं। अगर फिलहाल आप छुट्टी जाते हो तो मैक्सिमम आदमी 4 महीना 3 महीना 5 महीना इससे ज्यादा नहीं जाता है। तो अगर आप कुवैत से इंडिया या किसी भी कंट्री में जा रहे हो एग्जिट करा करके, तो आप दूसरे वीज़े से कितने टाइम के बाद वीज़ा निकाल सकते हो या अप्लाई कर सकते हो, आ सकते हो। तो ऐसे कंडीशन में आप वहाँ पर 3 या 4 महीना रहो 5 महीना रहो उसके बाद फिर आप अप्लाई कर दो। अगर आपको लगता है कि अप्लाई मैं करूंगा, वीज़ा ढूंढूंगा, टाइम लगेगा, तो ऐसी कंडीशन में जैसे मान लीजिए कि आज आपने अपना सिविल आईडी कैंसिल करा दिया है, एग्ज़िट जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप वहां इंडिया पहुंच करके 1 महीना 2 महीने बाद जो है आप दूसरे वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता, फिलहाल 1 महीने बाद भी अप्लाई कर सकते हो। जब तक अप्लाई करोगे, जब तक आएगा, फिर 3 महीने का उसका एक्सपायरी का वो रहता है, उसके 3 महीने के अंदर स्टाम्पिंग है और भी टिकट वगैरह है, सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद 3 महीने के बाद एंट्री कर लोगे। तो अगर आप 2 महीने बाद भी अप्लाई करते हो तो 2 और 3 5 3 महीने बाद अप्लाई करते हो तो 6 महीने का टाइम पीरियड हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में यानी कि 5-6 महीने के अंदर आप दूसरे वीज़े से दूसरे कफील के दूसरी जॉब पर कुवैत देश में एंट्री कर सकते हो अगर आप एग्ज़िट जाते हो। तो अगर आप एग्ज़िट नहीं जाते हो, वैसे जाकर के बैठ जाते हो फिर अप्लाई करोगे, तो वीज़ा आपका दोबारा नहीं निकलेगा। उसका एक मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है कि उस टाइम पीरियड के, यानी कि उसका एक टाइम पीरियड होता है, उतने दिन तक आपके ऊपर बैन लगा रहेगा, और जब वो बैन हटेगा तभी आपका वीज़ा निकलेगा भले आप अप्लाई करो। तो उससे रिलेटेड भी आप जाकर के वीडियोस चैनल पर देख सकते हो, और आपको कैसे देखना ये समझाने की ज़रूरत नहीं ना, क्योंकि आप ऑलरेडी खुद एक्सपर्ट हो। तो आप कुवैत में अगर एग्ज़िट जा रहे हो तो आप 2 महीने बाद 1 महीने बाद 3 महीने बाद दूसरे वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो, और न्यू वीज़ा के तहत, न्यू जॉब के तहत कुवैत देश में आप अच्छी सैलरी के साथ एंट्री ले सकते हो। तो कुवैत से जो इंडिया गए हैं एग्ज़िट वाले, वो बगैर छुट्टी बिताए अप्लाई कर सकते हैं। कुवैत से जो गए हैं इंडिया, अगर आपका एग्ज़िट नहीं लगा है, कैंसिल नहीं हुआ है सिविल आईडी, तो आप वीज़े के लिए अप्लाई करोगे तो अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी तो आपकी रेजिडेंसी यहाँ पर वैलिड है, तो दूसरा वीज़ा कैसे निकलेगा। तो ऐसी कंडीशन में वो लोग तो अप्लाई कतई ना करें, और अगर वो लोग जैसे मान लो कि आप सोचते हो कि मेरा 6 महीने बाद एक्सपायर हो जाएगा सिविल आईडी, 7 महीने बाद एक्सपायर हो जाएगा, आप नहीं गए और एक्सपायर होने के बाद फिर आप अप्लाई करते हो, फिर भी आपका वीज़ा नहीं निकलेगा। सिर्फ मैं एग्जिट वालों के लिए ये इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड दे रहा हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कुछ भी ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करो, मुझे टाइम मिलते कमेंट के से रिलेटेड मैं आपको आंसर दूंगा। मुझे लगेगा कि एक कमेंट सबके लिए जरूरी है, तो उससे रिलेटेड मैं आपको वीडियोस दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक दुआ में याद रखिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।